अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 में से 25 सही क्वेश्चन करने हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लेना। क्यों देखना है मैं आपको बता देता हूँ, क्या रीज़न है इस वीडियो का देखने का। 22 तारीख को जितने भी पेपर हुए थे मॉर्निंग में और दोपहर में शाम में, तीन शिफ्ट के पेपर इसमें मैंने कलेक्ट किए। अगर आपका इन 25 में से 25 स्कोर चैलेंज के हिसाब से कहता हूँ अगर सही हुआ तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 में से 25 लेके जाओगे आपकी एग्जाम। तो सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपका सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में पेपर है तो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं लिंक वगैरह पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूँगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आपको नहीं मिलेगी, और घंटी को ऑल पर प्रेस कर दो। इस वीडियो को आपका जो भी ग्रुप हो आपका आईटीआई का उन तक जरूर शेयर कर देना। ये काफ़ी मेहनत, मतलब कल मेरे पूरे दिन की मेहनत थी, ये पूरे दिन की मेहनत मैं आपको दे रहा हूँ मात्र 15 से 20 मिनट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन, और साथ में आप लोग कमेंट करोगे। क्यों कमेंट आप करोगे तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गए तो आप उनको फोड़ के रख दोगे, समझ गए मेरी बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट फाइलों में खाली स्थान एक्सटेंशन होता है .doc.xls.jpg.pptx। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए, जो भी हमारे ऐसे साथी हैं बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी डी ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल आप लोग सही आंसर लगा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, डीवीडी हो जाएगा, सीडी होगा, रैम, रोम या यूपीएस। चलिए सभी साथी एक साथ कमेंट करेंगे बिल्कुल, और मैं एक बार फिर कह देता हूँ, आज वो जैसे कि मैंने कल जब पेपर हुए थे मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर सेकेंडरी करवाई थी, समझे, सेकेंडरी मैंने करवाई थी, मैं इम्पोर्टेंट बोलता रहा, उन पर आप थोड़ा सा गौर कर लेना, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, मैं बताता चलूँगा आप लोगों को, स्टार्ट करता चलूँगा। तो राइट ऑप्शन काफ़ी लोगों ने आंसर लगाया है सी, सी वाले हमारे सभी के सभी साथी सही आंसर लगा रहे हैं सी, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एसवीजी फाइल का अर्थ क्या है, बताइए इसका फुल फॉर्म पूछा है, सभी लोग कमेंट करेंगे। स्केलेबल वेन ग्राफिक फाइल, सीनियर वेक्टर ग्राफिक, स्केलेबल वेन ग्रिड्स, या फिर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, बिल्कुल सही, काफ़ी साथी इसका आंसर लगा रहे हैं डी, डी वाले हमारे सभी के सभी भाई लोग सही आंसर आप लोग लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए बताइए, ईमेल में VCC का मतलब क्या होता है, चलिए फटाफट सभी साथी एक साथ कमेंट करेंगे। चलिए ब्लाइंड चेयर कॉपी, नेत्रहीन बच्चे की नकल, ब्लाइंड चार्ट कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो काफ़ी लोग हमारे ट्रेनी ऐसे हैं जो डी ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, ब्लाइंड कार्बन कॉपी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 25 में से आपका स्कोर जितना भी हो आखिरी में हमें कमेंट जरूर करना है। चलिए, अच्छा सुनने का कौशल कर्मचारी को बनाता है, तो इसमें ऑप्शन आ गया, टाइपिंग वाले भैया ने टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाए क्या, उत्पादक, उत्पादक इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ए क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 6,
और सिक्स छक्का मार दीजिए। अभी तक एक से लेकर छः तक किसी भी साथी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा मौखिक संचार कौन सा है? स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है, लोगों को भ्रमित करता है, अपमानजनक है, असभ्य है। चलिए सिक्स नंबर का कमेंट करिए। सभी साथी कमेंट करेंगे तो स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करना ए ऑप्शन राइट आंसर जो हो जाएगा ए। सभी साथी एक साथ कमेंट करेंगे, जितने भी साथी ए ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल आप लोग राइट आंसर लगा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक प्रोटोटाइप है, एक प्रोटोटाइप क्या है? व्यापार विचार है। व्यवसाय योजना में उत्पाद सेवा टाइप करना है, उत्पाद या सेवा बेचना है, या फिर किसी उत्पाद या सेवा का पहला संस्करण। राइट आंसर सभी साथी कमेंट कर भी चुके हैं डी ऑप्शन। तो जितने भी लोग डी ओ जी डॉग वाला डी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आप लोग लगा रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 22/8/2024 आईटीआई एग्जाम 2000 पूछे गए, याद कर लें। चलिए क्वेश्चन है, एक सफल जो उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है वो कौन सा है? उद्यमशीलता की मानसिकता रखना, पैसे कमाना, समाज की सेवा, अधिक से अधिक बाजारों में विस्तार करना। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी ट्रेनी जल्दी से। बिल्कुल सही, जो भी साथी ऐसा है इसका लगा रहा है ए, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, उद्यमशीलता की मानसिकता रखना ए ऑप्शन राइट आंसर जो हो जाएगा ए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेटवर्किंग है नए दुश्मन बनाना, अपनी प्रतिस्पर्धा की पहचान करना, अन्य व्यवसाय ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, एक सामाजिक नेटवर्क में शामिल होना। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही, सभी ट्रेनी राइट ऑप्शन लगा रहे, अन्य व्यवसाय और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना। राइट ऑप्शन सी, सी जो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी लोगों का मैं कमेंट देख रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, ये रहा। मानव संसाधन है आपके पड़ोसी, आपके कर्मचारी, कर्मचारी और अन्य सहायक, आपके ग्राहक या आपके प्रतियोगी। चलिए कमेंट करिए, सभी साथी कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, आपके कर्मचारी, कर्मचारी और अन्य सहायक राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी। बी वाले हमारे सभी के सभी साथी सही आंसर लगा रहे हैं, राइट आंसर बी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा जल्दी से। आपके कैरियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा व्यवहार, जैसा है वैसा जारी रखें, मौका, नए कौशल बनाएं। चलिए 11 नंबर का सभी साथी कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही, जो भी साथी ऐसे जो 11 नंबर का डी ऑप्शन लगा रहे हैं, 11 नंबर का नए कौशल बनाएं डी बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? डी, डी बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, छुट्टी पत्र लिखना खाली स्थान संचार का हिस्सा है। कमेंट करेंगे सभी साथी, ए बी सी डी कौन सा, जल्दी कमेंट करिए। औपचारिक कार्यस्थल यानी कि फॉर्मल वर्क प्लेस, जो भी साथी ऐसे जो ए ऑप्शन लगा रहे हैं ए, ए वाले राइट आंसर लगा रहे हैं। चलिए भाई साहब आगे लेके चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन। इमोजी खाली स्थान के अनुसार उपयोग किए जाते हैं, हमारे शैक्षिक स्तर, हमारे पेशेवर स्तर, हमारी मनोदशा या स्थिति, जब हम खुश होते हैं। तो राइट ऑप्शन, हमारी मनोदशा या स्थिति होती है तो इमोजी हमारा उसके उसी के हिसाब से हम उसका अनुसार उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है सी ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
ठीक है बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक साहसिक कार्य नहीं है, पहाड़ों पर चढ़ना, ट्रैकिंग, सर्फिंग या ड्राइविंग? बताइए। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ड्राइविंग, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, टीम वर्क के लिए, टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, स्वस्थ संचार, काम का विभाजन, संघर्ष और तर्क। सी ऑप्शन इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, कार्यस्थल को स्वच्छ बनाए रखना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका भी डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से क्या एक रिज्यूमो में शामिल होता है? तो क्या होता है, संपर्क जानकारी, शैक्षणिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको डी ऑप्शन लगाना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए? तो कैसे बदल गए, प्रौद्योगिकी का अधिक ध्यान, सुविधाजनक काम के घंटे, व्यक्तिगत और काम पर, घर पर काम का मिश्रण। तो राइट ऑप्शन इसका भी डी ऑप्शन हो गया। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, कर्मचारियों के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है? कागजी कार्रवाई करना, मैनुअल काम करना, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण, छुट्टियों की योजना करना। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषय या कौशल सीखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये आप लोगों के लिए, बस आप लोग देख लीजिए और एग्जाम में छाप के आना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका एक उद्देश्य है ऑनलाइन शिक्षा और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए। राइट ऑप्शन सी। अगला देखें क्वेश्चन, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनुभव, कौन सा अनुभाग उपयोगकर्ताओं का भौतिक प्रशिक्षण केंद्र खोजने में मदद करता है? तो वो हो जाएगा कौशल केंद्र। सी ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको यूट्यूब पर टिप्पणियों का जवाब क्यों देना चाहिए? क्योंकि ताकि दर्शक जुड़ाव महसूस करें, इसलिए हमको करनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर आवश्यक मानव कौशल नहीं है? तो राइट ऑप्शन सी, यानी कि जो हो जाएगा सी, तकनीकी कौशल। आगे देखेंगे, तो आगे हमारा क्वेश्चन है, वेड़ू कपड़ा काटने का काम करते हैं, उनकी टीम ने कपड़ा काटने में गलती की है, इससे निपटने का सही तरीका क्या हो जाएगा? चर्चा करें और इसे ठीक करने का तरीका खोजें। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन पूरे कराए, एग्ज़ाम में छाप के आना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हो सकता है ये प्रीवियस क्वेश्चन आ जाए, अगर नहीं आए तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये मत बोलना इससे नहीं आया, इससे नहीं आया तो निमी PDF से है, ये भी निमी के है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपने निमी PDF पढ़ी है तो 25 में 25 करोगे और इसमें भी 25 से 25 में करोगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।